सर सबसे पहला सवाल रहेगा आज दो केक एक साथ काटे जा रहे सर अन्नपूर्णा फिल्म की तरफ से 100 मिलियन क्लब को भी एक गाने झगड़ा ने क्रॉस किया है साथ ही मात्र 6 महीने में ही 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर मिली है सर फैंस को क्या कहेंगे जो इतना ढेर सारा प्यार मिला देखिए मैं सब्सक्राइबर हमारे नहीं है और ये कंपनी हमारी नहीं है और ना ही अखिलेश कश्यप जी की है ये कंपनी पूरी जनता की है जो भोजपुरी से प्यार करते हैं जो भोजपुरी से स्नेह रखते हैं जो खेसारी को मोहब्बत देते हैं जो अपना बेटा मानते हैं ये उनकी कंपनी है ये उनका गाना है हम तो सिर्फ एक वर्कर की तरह काम करते हैं उनके दिल पे हमेशा राज करने के लिए कोशिश करते हैं जो हम अच्छा काम करें उससे ज़्यादा कुछ नहीं भैया पहले झगड़ा उसके बाद कजरा कजरा से कितना उम्मीद है कजरा लगा होता पहले तो झगड़ा नहीं होता कजरा नहीं लगा पहले इसीलिए झगड़ा हो गया तो हम कहने कि अब इसके बाद झगड़ा ना हो इसीलिए मैं चाहता कि कजरा लगा दे ताकि नजर गुजर ना लगे झगड़ा ना हो इसीलिए हम सोचे कि पहले भाई हमको इनको बोले थे कि पहले कचरा लगा दीजिए ताकि झगड़ा ना हो तो बोले कि नहीं भैया झगड़ा कराते हैं फिर हम कचरा लगा देंगे ताकि सब लोग झगड़ा का भी मजा ले ले और कचरा का भी मजा ले ले। अच्छा आज आपका एक चैता सॉन्ग आया हुआ है ट्रैक्टर वाला चुम्मा मंगे इसको लेके क्या की? मेरे दिल के बहुत करीब गाना है भाई वो इतना अच्छा कंपोजिशन और आर्या शर्मा हम थे शुभम जी थे पवन बाबा का लिखा हुआ वो सॉन्ग है और कमाल का लिरिक्स है कमाल का कंपोजिशन और अंकिता फिल्म मानी हमारी सुलभ बाबा की कंपनी है वो और कमाल का मेरे दिल के बड़ा करीब है वो गाना और उसकी कंपोजिशन बड़ी करीब है और आर्या ने बहुत अच्छा म्यूज़िक भी दिया है तो दिल से थैंक यू उस पूरी टीम को जिन्होंने उस गाने का हिस्सा मुझे बनाया सर उसमें एक सीन है जब विकास भैया चढ़ते हैं पोल पे और आप पीछे से आते हैं तो वो सीन डायरेक्टर ने ऐसे ज़ूम नहीं किया था लेकिन वो अचानक वो सीन बना था तो किस तरीके से वो सीन बना था और किस तरह का माहौल था विकास भैया मेरे ऐसे मित्र हैं और उनको मैं मित्र नहीं समझिए कि वो मेरे बाप भी हैं मेरे बेटा भी हैं मेरी बहन भी है मेरी माँ भी है मेरे भाई भी है मुझे लगता है कि इस दुनिया के सारे रिश्ते मेरे विकास भैया से जुड़ते हैं रीज़न ये है कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान अगर देखा जाए तो विकास भैया का है मैं बॉम्बे शहर में अकेला था मेरा कोई नहीं था तो विकास भी अपने घर में मुझे कम से कम 2 साल रखे खाना खिलाना बाबू यहाँ जाओ बाबू ये करो बाबू वो करो तो विकास भैया का बहुत योगदान रहता है मेरे जीवन में और आज भी है हमारा और विकास भैया का रिलेशन मुझे लगता है आज 14-15 साल के हो गए और हम दोनों में कभी आज तक अनबन नहीं हुई अगर उन्होंने मुझे डांटा भी तो मैंने एक छोटे भाई की तरह लिया एक बेटे की तरह लिया मुझे भी अगर उनको कभी डांटना होता है तो वो भी मुझे बड़ा भाई की तरह मान लेते हैं कभी मान लेते हैं कि चलो ये मेरा गार्जियन है मुझे डांट रहा तो हमारे रिलेशन एक ऐसे हैं जो उसका कोई तोड़ ही नहीं है कि हाँ कहाँ तक है सर 15 मार्च का आपका बर्थडे था और उस दिन जब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो बहुत सारे लोग को उनका ये कहना था कि खेसारी जी के हाथ से जब मुझे मिलेगा तब हम लेंगे तो उस इतना सारा जब दर्शकों से प्यार मिलता क्या कहना चाहेंगे क्या मिलेगा खाने के लिए अब हम व्हाट्सएप का मैसेज तो है ना सबका लगे सेंड हो जाए आ गूगल से लूट तो भैल लिखे हम पैदे भैल बनी सबसे बड़ी कि मैं जितने लोगों ने मेरा बर्थडे मनाया उस दिन और हमारा बर्थडे आम जनता ही मनाती है क्योंकि मैं जनता का बेटा हूँ कोई सेलिब्रिटी का बेटा तो मैं हूँ नहीं मैं जनता का बेटा हूँ एक किसान का बेटा हूँ और मुझे लगता है कि उस दिन इतने केक कटे कि शायद मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था और पवन बाबा ने बहुत सारी चीज़ें खेसारी फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने पटना में लोगों का मदद भी किया लोगों का कपड़ा से लेकर पवन बाबा ने हर जगह खाना से लेकर हॉस्पिटल से लेकर हर जगह अनाथ आश्रम से लेकर विधा आश्रम तक गए केक लोगों को खिलाया तो मेरे लिए वो खुशी है मैं पैदा हुआ नहीं पता मुझे मैं कब पैदा हुआ लेकिन मैं मनाता हूँ 15 मार्च को लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप का बेटा ही नहीं बल्कि मैं पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूँ जो मुझे प्यार करते हैं एक राइटर के तौर पे 6 महीने में इतनी बड़ी उपलब्धि और सर का एक गाना झगड़ा जो एक रिकॉर्ड ब्रेक करा है आपके ऐसे चैनल पे जो शुरुआत करी थी सर की इस जोड़ी के साथ आप उस हजारों फैन लाखों फैन को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ हम लोग भैया को देख के सीखते हैं बस मेहनत और हम लोग यही जानते हैं कि भैया जब इतना मेहनत करते हैं तो उसका 5% हम लोग करें 5-10% करते हैं तो इतना कुछ होता है भैया जैसा मेहनत करने लगेंगे दिन रात तो बहुत कुछ होगा और आज जो कुछ भी है आज ये चैनल है चाहे हम हैं और भैया के साथ जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब इनके बदौलत हैं हम लोग यहाँ तक हैं
तो सब भैया का श्रेय है हमारे जिंदगी में। अभी जो मूवी आ रही है बोल रहा था बोल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब सोच लो कि दुनिया इंसान से मोहब्बत कर रहा, हम बकरी से प्यार के लिए बने हुए। अब कितनी इंटरेस्टेड होगी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे लिए टॉप जॉब था वो, इसलिए टॉप था कि एक डॉगी को सिखाया जा सकता है, सिखाया हुआ डॉगी हमें मिल जाता है, एक मंकी हमें सिखाया हुआ मिल जाता है, एक नाग नागिन सिखाया हुआ मिल जाते हैं, एक तोता सिखाया हुआ मिल जाता है, बट बकरी को कैसे सिखाएगा कोई यार एक्टिंग। और उसके साथ मैंने रोमांस किया है, बकायदे वो मेरे बेड पे है, बेड पे उसके साथ गाना किया हूँ मैं, उसके साथ बाइक पे बैठकर उसके साथ रोमांस किया हूँ, खेतों में कहाँ कहाँ नहीं है, उस बकरी के पीछे क्या कहानी होती है, वो प्यार का प्रकाष्ठा है। मोहब्बत के लिए कोई इंसान नहीं चाहिए, अगर आपके अंदर दिल में मोहब्बत है ना तो जानवर भी इंसानों से बेहतर हो जाता है। वाह भैया, गाना इतना हिट हुआ उसके पीछे जो टेक्नीशियन जो मेहनत करते हैं, डायरेक्टर हो टेक्नीशियन हो, उनके लिए क्या संदेश होगा जो लगातार आपके साथ खड़े रह के? सर उनके लिए संदेश नहीं, वो हैं तभी हम हैं। मेरे कहने का मतलब, जैसे आज आर्यन देव जी हैं, अशोक जी हैं, इनकी पूरी टीम है कैमरामैन से लेकर लाइटमैन तक, हम तो सिर्फ एक मूर्ति हैं कि दुनिया हमें प्यार करती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस कारीगर का भी उतना ही बड़ा हाथ है जिसने इस मूर्ति को बनाया है, और इस मूर्ति को बनाने में हमारे टेक्नीशियन की बहुत बढ़िया हाथ है। भैया आपके वादे के अनुसार सौम्या पोखरेल को काम मिली है, किस गाने में काम मिली है जरा बताना चाहेंगे? भाई वो गाना भी वैसा ही है, जितनी इमोशन उसके दिल में मेरे लिए है वैसा ही मैं गाना भी कर रहा हूँ। और एक राधा का जो प्यार था कृष्ण के प्रति, वही मैं सौम्या के दिल में मैंने देखी, और बड़ी प्यारी बच्ची है, उसके हस्बैंड भी आए हुए हैं, दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, दुनिया भले इसको किस भी में लेती है मुझे पता नहीं, लेकिन उस बच्ची का प्यार जो है मेरे लिए बहुत पाक है, एक रामायण और गीता की तरह। वो लड़की मेरे नाम से ठीक है अजानी जाती है, बट उतनी हिम्मत किसी के अंदर हो नहीं सकती, एक प्यार करने वाली, एक अपने ऊपर टैटू बना देने के, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी वो बच्ची ने इतना बड़ा दिल दिखाया एक अपने प्यार के लिए, वो प्यार करती है मुझसे। और प्यार का परिभाषा ये नहीं है कि हाँ एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, प्यार की परिभाषा हम अपने बहन से भी करते हैं, वो मेरी बहन की तरह है और मुझे मोहब्बत करती है उस बहन को। देखिए वो मेरे बहन के साथ साथ वो एक एक्टर है, जब हम पर्दे पे आते हैं, जब हम कैमरा के सामने होते हैं, तो वही रोल अदा करती है जो उसको करना है, और वही रोल अदा मैं करता हूँ जो मुझे करना है। और मेरी कोशिश है, पहली बार वो बच्ची काम कर रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए, कि वो जो गाना आएगा तो शायद आपको भी पता चलेगा कि पहली बार काम करें, इतना प्यार उस बच्ची को दे दीजिए कि शायद वो बार बार आप सबके बीच में अपने एक्टिंग के माध्यम से आप सबका मनोरंजन कराता है। अच्छा, जब से आपने उसको वादा किया था तब से उसे लगातार ट्रोल किया जा रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि खेसारी ने फ्लो फ्लो में तो बोल दिया लेकिन काम नहीं देगा, फिर आज आप उसके साथ शूट करें, इसको लेकर क्या कहें? एक बात बताऊँ आपसे, जो नदी में डूबा है ना उसको गहराई का पता होता है, जो डूबा ही नहीं, जो कभी पानी देखा ही नहीं, उसको क्या पता है गहराई का मतलब। जो मेरे पास हैं उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो मैं दुनिया को सफाई नहीं दे सकता, मैंने उस बच्ची से वादा किया था तो आपको पता चला ना, आज उसके साथ काम कर रहा हूँ, वो क्या एक्टिंग करती है नहीं करती है मुझे पता नहीं, बट मुझे लगा जब मैंने वादा किया है, और हो सकता है किसी वादे के बदौलत वो बच्ची अपने जीवन में कुछ कर जाए, शायद खेसारी लाल यादव पहली बार मौका दिया, वो बच्ची अगर आगे सीखे, डांस सीखे, एक्टिंग सीखे, तो शायद बेहतर कर सकती है, तो शायद हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को या इस इंडस्ट्री को या इस दुनिया को एक और अच्छा आर्टिस्ट मिल जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है, और मैं लगातार नए लड़कियों के साथ इसीलिए काम कर रहा हूँ कि कब तक सबको यहाँ दुनिया में नाम कमाने का हक है, और शायद हम एक ही आदमी को प्रमोट करके आगे तो बढ़ा देते हैं लेकिन उससे नई प्रतिभा नहीं आ पाती है। तो मेरी कोशिश है, जैसे मैं जितने भी लोग हैं नए नए लोगों के साथ काम करके, मैं पुराने कंपनियों के साथ बहुत कम काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ नई नई, जो कंपनी 5 लाख में स्टार्ट हुई है, अखिलेश कश्यप जी के पास कुछ पेमेंट नहीं थे, आज ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया,
आदिशक्ति की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आदिशक्ति का पहला गाना जब मैं गाया था तो मात्र 45,000 रुपये उनके पास थे। 45,000 रुपये पवन पांडे ने दिया था उनको, और आज वो कंपनी कम से कम 15 करोड़ की है। कोई क्षमता नहीं थी, तो हमारे पास वो अगर गट्स है कि हम किसी को बढ़ा सकते हैं तो कोशिश हर आदमी को करना चाहिए कि अपने लोगों को बढ़ाइए। आपके अपने जब मजबूत होंगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आप मजबूत होते हैं। कहीं ना कहीं सोनिया को मौका देने के पीछे नए टैलेंट को मौका देने का बिल्कुल देना चाहिए। ये हुए थे कि कह रहे थे कि जैसे सोनिया जी ने टैटू बना लिया है तो भैया ने उनको काम दिया, प्रमोट किया, लेकिन लोगों का कहना ये था जो बैक से कहते हैं कि भैया उनको साथ नहीं देते हैं जो रियली में टैलेंटेड है, सिर्फ टैटू बनाने वाले लोगों को भैया प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, वो मुझे दिखना चाहिए ना कि उसके अंदर टैलेंट है, उसको मेरे पास आना चाहिए, मिलना चाहिए। अब हम ज्योतिषी तो हई ना जो घर घर अब हम अपन ज्योतिष फेंक ले बनी कि ना हो तार तू सुतलो में डायलेक्ट अच्छा बोलो तार। भाई हमारे पास कोई आएगा अपना टैलेंट लेकर तभी ना हम उसको बोलेंगे कि हाँ आप काम कर सकते हो। अब घरवे में तू एक्टिंग कह के तू अपना माई बाबू जी के दिखा दे, अपना भौजाई के दिखा दो, बाद कह के खेसारी अपने का मौका निकाल दे तो मैं खेसारी के कह दोस्त बा खेसारी तेरा घर में कैमरा लगा ले बड़े कि ना हो तू एक्टिंग ठीक करा तर हम ये हमारे काम बा जो हम मैं पूरा बिहार यूपी में कैमरा लगा के बैठल में के नहीं मन एक्टिंग करा था तो वो लोग के एक्टिंग देखे तो हम कब करब। अरे भाई हमारे पास काम बा ना, जो मुझे लगता है। हाँ सोमिया मेरे पास आई, उनका टैलेंट मुझे दिखा कि नहीं भाई ठीक है, तो उनके लिए विशाल से लेकर कई सारे बच्चे टिकटॉक के रील के बच्चे हैं जो आए, उनका टैलेंट मुझे दिखा, मेरे से मिले, उनको काम मैंने दिया, और मैं क्या काम दूंगा, मैं तो खुद ही काम मांगता हूं दुनिया से। उनको एक जगह दी, मेरे बस में था तो मैंने उनको एक जगह पे खड़ा कर दिया कि बाबू आप यहाँ खड़ा हो सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं किसी को काम दे सकता हूँ, मैं सहयोग करता हूँ, मैं किसी को काम नहीं देता। मैं क्योंकि मैं आज भी एक वर्कर की तरह हूँ, मैं खुद ही काम दुनिया से काम मांगता हूँ। आज मेरे लिए भगवान अखिलेश कश्यप है, हो सकता है मेरे नीचे किसी दिन काम करते थे ये, लेकिन आज मेरे लिए मेरे मालिक हैं क्योंकि मैं इनके लिए काम करता हूँ। ये मेरे वर्कर नहीं है, आज ये मेरे मालिक हैं। तो मैंने अपने वर्कर को भी मालिक बनाया इसलिए ताकि मुझे लगे कि नहीं मेरा मालिक मेरा वर्कर भी हो सकता है। हिम्मत ना हारिए बेसारिए ना राम को। इस दुनिया में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ दुनिया से कि सतयुग में भगवान आए, द्वापर में भगवान आए, त्रेता में भगवान आए, कलयुग में भगवान नहीं आए तो उन्होंने माँ बाप को बनाकर भेज दिया। जिस तरह हम मंदिर में जाके अपनी ज़रूरतों की बातें कह देते हैं उसी तरह हम अपने माँ बाप से भी वही बातें कहते हैं और हमारी ज़रूरत पूरी होती है। भगवान करे या ना करे लेकिन हमारे माँ बाप हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो माँ बाप, माँ बाप का सेवा करिए, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। अरे वो लोग के नजर में हम बेस्ट एक्टर नहीं कि हम आगे मेहनत कर अब तो हो जाए फिर ले ले। मतलब उस फिल्म को कई अवार्ड मिलते हैं। देखिए फिल्म के अवार्ड जो मिलता है ना, देखिए हमारी वो मेहनताना है और अवार्ड से किसी चीज की पहचान नहीं की जा सकती है। सम्मान और सम्मान, सम्मान और सम्मान, तो जो हक की चीज़ें नहीं मिलती है वो समान हो जाती है। अगर हक में मिल जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर आप किसी कोई अवार्ड फंक्शन करा रहे हैं तो आप सिंगर का नाम, आर्टिस्ट का नाम, फिल्म का नाम, सिनेमा का नाम डाल दीजिए और पब्लिक से वोटिंग कराइए, क्योंकि पब्लिक ही आपको बेस्ट बनाती है ना। तो आप चार लोग अपने आप में डिसाइड कर लोगे जो दुनिया में कौन बेस्ट है। जिस तरह पब्लिक आपको बड़ा बनाती है, आपके सिनेमा को बड़ा बनाती है, उसी तरह पब्लिक में डाल दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पब्लिक के नज़र में कौन बेस्ट है और पब्लिक के नज़र में कौन सिनेमा बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि सबको नेट पे डाल देना चाहिए, चैनल पे डाल देना चाहिए, दुनिया बता देगी कि कौन बेस्ट है। कि तोरा अखिया के कजरा ये जाने झगड़ा करा देले झगड़ा था भैया आए झगड़ा था हम हमको खाली झगड़े अच्छा लगता है।